Assalamualaikum students, welcome back. So today we are going to learn about functioning of computer. We have studied that a computer is an electronic machine which accepts raw data as input, stores and processes it and gives information as output. हमने जैसे कि पीछे पढ़ा है कि कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट्स डेटा एंड एज इनपुट एंड स्टोर इट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट. कंप्यूटर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ एनी टू नंबर्स. जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एक एडिशन का क्वेश्चन जो है वो बताया था, यहाँ भी हम एडिशन के क्वेश्चन को लेकर ही आगे चलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 5 and 9 हमने इसको ऐड करना है. ठीक है, 5 and 9. सेकेंड पॉइंट इज द टू नंबर आर पास्ड टू द मेमोरी फॉर टेम्पररी स्टोरेज. सबसे पहले व्हेन जब आप इसको इंटर करेंगे तो जो दो नंबर हैं ये मेमोरी को पास कर दिए जाएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सबसे पहले इसको डेटा को स्टोर करता है, तो जो भी डेटा हम इंटर करेंगे, जो भी वैल्यूज हम इंटर करेंगे वो मेमोरी को पास कर दी जाएंगी फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, यानी कि आरजी तौर पर उसको सेव कर लिया जाएगा. थर्ड स्टेप इज द मेमोरी देन पासिस दीज टू नंबर्स टू द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, फिर जब आप इसको एंटर करते हैं कंप्यूटर इसको टेम्परेरी स्टोर करता है, तो जो कंप्यूटर उसके बाद क्या थर्ड स्टेप होता है कि कंप्यूटर जो है वो उसको CPU को पास कर देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ये डाटा जो है वो पास कर देता है. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. द इनपुट इज देन डायरेक्टेड टू द ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट. ठीक है, उसके बाद जब CPU को या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ये जो डाटा है वो पास कर दिया जाता है, तो आफ्टर देन जो CPU होता है वो उसका अपना जो नेक्स्ट पार्ट उसका जो काम होता है वो उसको ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU में जो है वो ट्रांसफर कर देता है, जो कि बेसिकली होता है जो एथमेटिक एंड लॉजिक जो है वो क्वेश्चंस जो है वो परफॉर्म करने के लिए, एक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. तो जो जैसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें ALU में यानी कि एथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है वो परफॉर्म की जाती हैं. तो ये जब CPU उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द CPU दैट परफॉर्म्स द एडिशन. ठीक है, ये स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि CPU का जो कि ये एडिशन का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है. द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज अगेन मूव टू द मेमोरी. तो जो अब उसके बाद जो इसका रिजल्ट होता है ALU उसका रिजल्ट परफॉर्म करता है, जो इसका रिजल्ट होता है ऑटोमेटिकली फिर जो है वो मेमोरी को दोबारा से पास कर दिया जाता है, यानी कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज अगेन मूव टू द मेमोरी, दोबारा से ये मेमोरी में मूव कर दिया जाता है. द रिजल्ट इज मूव्ड फ्रॉम मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद फिर ये जो रिजल्ट होता है ये मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस में मूव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, मोनिटर एंड ठीक है मोनिटर एंड इट इज डिस्प्लेड टू द यूजर, और ये जो है यूजर को डिस्प्ले किया जाता है. अब ये जो स्टेप है ठीक है, ये जो आपको एग्जांपल दी गई है इसका जो स्टेप 1 है ये ठीक है ये इनपुट का प्रोसेस है, इसमें हम इनपुट करते हैं डेटा को. सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप में यानी कि जब इसको स्टोर किया जा रहा होता है इसको प्रोसेस किया जा रहा होता है ये स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं. एंड आफ्टर देन ये जो है स्टेप 5 ठीक है इसमें जो है वो डिस्प्ले किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है तो आउटपुट दिया जाता है. देन दिस इज द आउटपुट ठीक है एंड दिस इज आवर फिफ्थ स्टेप. सो यू हैव राइट क्वेश्चन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये टॉपिक है हमारा. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन अगेन. डिफाइन फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, सो द आंसर इज विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टुडे. So here is the answer of the question. You have to learn it by heart, okay? And you have to write these questions, answer into your note copy and send me these pictures. Okay, take care. Allah Hafiz. That's it for today.